खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां रायपुर महापौर एजाज ढेबर पार्षदों के साथ नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के बंगले मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान महापौर की ओर से मुआवजा राशि की मांग की गई। वहीं हमारी ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने रायपुर महापौर एजाज ढेबर से बातचीत की। नगरीय प्रशासन मंत्री से मुलाकात करने के लिए आज रायपुर महापौर पार्षदों के साथ पहुंचे हुए उनके बंगले। आज अब नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव से आप मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए, क्या मामला है? ये दो तीन मुद्दे हैं। एक तो हमारे सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा है, दूसरा रायपुर विकास कार्य के लिए पैसा मिल जाए, और तीसरा जो मॉल में दो मॉलों में जो गड़बड़ी चल रही है, जहाँ पर 15-15 करोड़ रुपये टैक्स को माफ़ कर दिया गया, तो उसको बातों को लेकर आज हम लोग माननीय मंत्री जी के पास में आए हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग ने सड़क चौड़ीकरण, जो आज रायपुर का सबसे बड़ा मुद्दा है, आज बॉटल नेक पर आके पूरा जो ट्रैफिक है वो जाम हो जा रहा है, और चार महापौर वहाँ पर चेंज हो चुके हैं मगर अभी तक के चौड़ीकरण नहीं हुआ। और पिछली सरकार ने हम लोगों की मांग पर, जनता की मांग पर 137 करोड़ रुपया पिछली सरकार ने दिया था, टोकन के तौर पे 4 करोड़ रुपए दिए थे, प्रशासनिक स्वीकृति हो गई थी, मगर उसके बाद भी अभी तक के कहीं ना कहीं कोई काम चालू नहीं हुआ, कोई काम गति नहीं दिख रही है। और पिछली सरकार के जो, जब हमारी सरकार थी तो माननीय सांसद महोदय ने बहुत सारा पैसा मतलब वहाँ पर उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था, तो धरना प्रदर्शन के बाद भी उसके बाद फिर सरकार आने के बाद चुप हो गया, बजट में कहीं वो नहीं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सरकार की मंशा पे कहीं ना कहीं वो है। आज हम लोग उप मुख्यमंत्री जी के पास में यहाँ पर आए हैं और अपनी बातों को यहाँ पर रखेंगे, जो काम बंद है वो काम को चालू किया जाए। शारदा चौक, तात्यापारा चौक का जो है लगातार समस्या बने रहती है चौड़ीकरण को लेकर, नहीं इसलिए तो बता रहा हूँ, इसी बात को तो लेकर हम लोग सबसे तो मिल लिए, कलेक्टर साहब से मिल लिए, कमिश्नर साहब से मिल लिए, सेक्रेटरी से मिल लिए, चीफ सेक्रेटरी सबसे तो मिल लिए, कोई नहीं बचा है। तो कलेक्टर ने क्या कहा? कलेक्टर साहब ने भी ये कहा होगा मगर एजेंसी आपको चेंज करना पड़ेगा, वो PWD नहीं कर सकता, सिंगल मुआवजा वो देगा, डबल मुआवजे के लिए आपको नगर निगम को एजेंसी बनाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मामला क्यों उठ के सब कुछ पैसा आने के बाद भी? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए ये सरकार की इच्छा शक्ति में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो है, थोड़ी इच्छा शक्ति इनको मजबूत करनी पड़ेगी, और जब इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं ये सरकार काम को कर सकती है। क्या आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर इस तरह से उसके लिए बाधित हो रहा है क्या? नहीं, बाधित तो नहीं हो सकता, क्योंकि काम होगा नहीं होगा तो फिर हम लोग सड़क की भी लड़ाई लड़ेंगे, अभी तक के हम सबसे निवेदन कर रहे हैं सड़क की भी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये थे रायपुर के महापौर एजाज, कैमरामैन मुकेश।